हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा विक्रम आर्ट एंड स्टडी। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पत्र लेखन। तो इस पत्र लेखन टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं शुल्क मुक्ति के लिए जो आप लोग प्रधानाचार्य को जो आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह प्रार्थना पत्र लिखने की जरूरत है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे स्टडी से संबंधित ऐसे आपके लिए उपयोगी वीडियो आप तक तुरंत और टाइम पर पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रार्थना पत्र की तरफ। प्रश्न क्रमांक एक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में बारी है प्रश्न क्रमांक दो की। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं जो आप लोग देख ही चुके होंगे। शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें शुल्क मुक्ति के लिए यानी हमारी फीस माफ करवाने के लिए प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल सर को एक प्रार्थना पत्र, इसका भी इंग्लिश एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न यदि हमारी परीक्षा में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, हिंदी के पेपर में पूछ लिया जाए तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपके पास लिखित रूप में नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं शुल्क मुक्ति के लिए लिखा जाने वाला प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ये देखिएगा फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर। यहाँ पर दिग्दर्शिका जो शिवलाल दिग्दर्शिका क्लास 9th की दी गई है, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद विषय लिखेंगे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। आगे हम लोग महोदय लिखते हुए नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय में इसी वर्ष प्रवेश लिया है। मैं अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय मात्र ₹1500 प्रति माह है और उन पर 7 प्राणियों के जीवन निर्वाह का भार है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, मैं अभी तक बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और प्रतिवर्ष मेरी फीस माफ होती रही है। यदि मुझे शुल्क से मुक्ति नहीं मिली तो हो सकता है कि मैं आगे पढ़ ही नहीं सकूं और मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी आर्थिक स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। इसके बाद हम लोग नीचे दिनांक लिख देंगे, जिस भी तारीख को ये आवेदन पत्र लिखा जा रहा है। और इधर साइड में आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधांशु, ये जो दिग्दर्शिका है दोस्तों, ये कक्षा 9वीं की है। परंतु यदि इस प्रकार का आवेदन पत्र यदि 10th क्लास में आए, 11th में आए, 12th में आए, किसी भी क्लास में आए, तो इस आवेदन पत्र को यानी इस प्रार्थना पत्र को आप लोग लिख दीजिएगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।